और अपना काम करो जाके। तो साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम लोग लिरिक्स पैड, या जिसे हम लोग पोडियम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अनबॉक्स करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो फ्लिपकार्ट की तरफ से ये काफ़ी भारी बैकेट प्राप्त हुआ है। तो इसको हम लोग देखो हम लोग इसको अनबॉक्स करते हैं। तो साथियों, ये है हमारा बिल, उसको पड़ा है 999 रुपये का। तो साथियों, ये है स्टैंड। अब ये है स्टैंड और ये है इसकी प्लेट। तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले फिट करते हैं। तो ये है साथियों स्टैंड हमारा, और हम लोग देखते हैं इसकी फुल लेंथ कितनी है। तो यहाँ से ये दो टुकड़े में फोल्ड हो सकता है, तो आप जितनी लेंथ चाहें इसको कर सकते हैं। मैं ज़रा सा इतना सपोर्ट के लिए रोक देता हूँ यहाँ पर। मैक्सिमम लेंथ है, और इसको अभी हम लोग मेज़र करेंगे। तो पास लाना, तो जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसको हम लोग रोटेट भी कर सकते हैं और इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये एक लेंथ यहाँ पर है, ये इस लेंथ को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको ज़रा सा कम से कम लेंथ यूज़ करनी है यहाँ पर। तो अब इस प्लेट को हम लोग इस पर फिक्स कर देंगे। देखिए, फिक्स करने का तरीका ये है, इधर दिखाओ जाए इसके पीछे, ये ठीक, ये स्लॉट इसमें फिक्स हो जाएगा। कि यहाँ पर एक ये नट है, इसको कम कर लेंगे हम लोग और इस तरीके से आगे से इसको फिट करेंगे। ये देखिए, ठीक, तो इस तरह से ये फिट हो जाएगा। और नीचे वाले नट को हम लोग यहाँ पर कस देंगे, जिससे ये फिक्स हो गया। अब यहाँ से इसको हम लोग रोटेट कर लेंगे, तो साथियों ये है हमारी फाइनल पोजीशन। तो मेरी हाइट के हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से इसको चाहूँ तो यहाँ से इसको कम भी कर सकता हूँ। ये अपनी हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, और चाहे जिधर भी रोटेट कर सकते हैं। तो मेरी हाइट के हिसाब से अगर मुझको लिरिक्स पढ़ना है या कोई स्पीच देनी है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा ये पोडियम है। तो चाहे आप इसको अपने घर में रिकॉर्डिंग कर रहे हो या लिरिक्स याद करना हो, या आपको कोई स्कूल में स्पीच देनी हो, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो काफ़ी मल्टी यूज़ के लिए किया जा सकता है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखेंगे, तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसकी है और काफ़ी स्पेशियस भी है। जैसे साथियों, जैसा कि एक बुक है मेरे पास, और मैं इसको यूज़ करूँगा एज ए लिरिक्स पैड की तरह। तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ फिक्स कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर मुझको स्पीच देनी है स्कूल में, या घर पर ही कोई इस तरीके से हल्का सा प्रोग्राम छोटा मोटा करना है और वहाँ पर मुझे लिरिक्स याद नहीं, तो इसको लिरिक्स पैड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा स्टैंड है। तो देखिए कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ, व्यू ठीक आ रहा होगा पूरा, ठीक है। तो काफ़ी उपयोगी है ये, और काफ़ी बजट में है। 999 इसका प्राइस है फ्लिपकार्ट पर, और हालांकि इसका प्राइस 999 से लेकर 2000-2500 तक जाता है, लेकिन मुझको लगता है कि मिनिमम अगर आपका बजट है, तो इस बजट में भी आपको करीब काफ़ी बेहतर क्वालिटी फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करा रहा है। यहां से इसको मूव भी कर सकते हैं आप लोग।
तो हम लोग इसकी लेंथ मेज़र कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितनी लेंथ इसकी हो सकती है। तो अगर यहाँ पर हम लोग मेज़र करें और स्टैंड ध्यान नीचे देखिए, इस स्टैंड की पोजीशन जो है वो थोड़ा सा आप इसको चाहें स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी अगर आप इस बढ़ा लें, जितना भी बढ़ा लेंगे आप इस तरीके से भी इसको रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इसकी, और लेकिन हाइट कम हो जाएगी। अगर आप हाइट बढ़ाना चाहें तो यहाँ से भी आप हल्की सी इसकी हाइट इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये चीज़। तो अगर मैं एक एवरेज स्टेबिलिटी पर इसको रखता हूँ इस तरीके से, तो इसकी मेज़रमेंट अगर करूँ मैं, तो करीब 4 फीट यहाँ पर आएगा और 4.5 फीट, लगभग 4.5 फीट पर इसको स्टैंड किया जा सकता है। और लगभग हर हाइट के लिए इतनी हाइट, चाहे वो 6 फीट का हो चाहे कोई 5.5 फीट एवरेज हाइट का हो, तो उसके लिए ये एक बहुत ही मल्टीपर्पज़ डिवाइस हो सकती है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। इसको परचेज़ करने का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और